अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बेटा? अरे ग्रेट, चलो लेट्स कंटिन्यू। प्रोसेस पे बात हो गई थी रिलेशनशिप में। ओके, वी वर सपोज टू डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वालेकुम अस्सलाम। मैंने टोल्ड यू कि इसके जो बेनिफिट्स हैं उसे आप रेसिप्रोकेट कर दें, सो दैट विल गिव यू ड्रॉबैक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, और डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी के बेनिफिट्स को आप रेसिप्रोकेट कर दें, सो यू विल गेट द ड्रॉबैक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर इट सेज कि डिसीजंस बाय मैनेजमेंट आर टेकन विद रिगार्ड टू द होल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो यू माइट बी मिसिंग ओवर दिस पॉइंट कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ओवरलुक्ड। ठीक है, सिमिलरली डिसीजंस आर वेल कोऑर्डिनेटेड बट इन डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी डिसीजंस आर नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड, स्पेशली इन अ क्राइसिस। इफ यू आर डिसेंट्रलाइजिंग तो इट माइट लीड इन टू प्रॉब्लम। अगर आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं एक क्राइसिस की सिचुएशन में, सो दैट माइट लीड टूवर्ड्स प्रॉब्लम। इसी तरह इनको रिवर्स कर दें तो ये उसके ड्रॉबैक्स बन जाएंगे। लाइक इन मैनी सिचुएशंस लोकल मैनेजर्स हैव बेटर नॉलेज देन द सीनियर मैनेजर्स, तो यहाँ पे फिर डिसेंट्रलाइज करना बेहतर होता है। तो यू माइट बी मिसिंग ओवर दिस पॉइंट कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर लोकल मैनेजर्स आर नॉट गिवन अथॉरिटी, लोकल मैनेजर्स को अथॉरिटी नहीं देते, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। सिमिलरली जब आप डिविजनल मैनेजर्स को अथॉरिटी देते हैं सो उनकी मोटिवेशन बढ़ती है। सो सेंट्रलाइजेशन का ये ड्रॉबैक हो सकता है दैट देर इज लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं होती व्हेन यू डू नॉट गिव अथॉरिटी टू द लोकल मैनेजर्स। ठीक है, तो वहाँ पे फिर मोटिवेशन लो हो जाती है। डिसीजंस आर टेकन मोर क्विकली एट लोकल लेवल, डिसीजन मेकिंग कैन बी डिलेड इन सेंट्रलाइजेशन। लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनी डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द सीनियर मैनेजमेंट, तो उनको डेवोल्यूशन करनी पड़ती है, दे हैव टू डिसेंट्रलाइज। कि मैनेजमेंट सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, ऑब्वियसली दे हैव टाइम कॉन्स्ट्रेंट, दे हैव रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, सो नॉट ऑल द डिसीजंस कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे फिर आपकी डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी हो जाती है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इदारे को, अगेन ये प्योर ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, उनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा दैट वॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, वॉट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर दे माइट बी इंटरेस्टेड इन। नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी के अंदर देर इज सेंट्रलाइजेशन, इन अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देर इज सेंट्रलाइजेशन, सारे डिसीजन एक पॉइंट से होके आते हैं। इन फ्लेक्सिबल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन देर इज मोर डिसेंट्रलाइजेशन, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स में, फ्लैट स्ट्रक्चर्स में डिसेंट्रलाइजेशन हाई होती है। ये तो हो गई इंटरनल रिलेशनशिप्स की बात, देर आर सम एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बहुत सारे एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को भी डेवलप करती हैं। एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स में चार किस्म के रिलेशनशिप्स डेवलप किए जाते हैं, दो के सिर्फ नाम हैं और दो डिस्कस किए जाएंगे, और जो डिस्कस किए जाएंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ भी चुके हैं पीछे सेकंड चैप्टर में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर। एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स अलाइंसेस की शक्ल में होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस, वैल्यू नेटवर्क्स, आउटसोर्सिंग एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अलाइंसेज और वैल्यू नेटवर्क्स का सिर्फ नाम है, डिस्कस नहीं किए जा रहे, और आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, यहाँ पे हम इसको जस्ट एक दफ़ा रिवाइव करेंगे। आउटसोर्सिंग कहते हैं जब एक इदारा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, आउटसोर्सिंग इज दैट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक सर्विसेज ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू कम्प्लीट देयर टास्क। ठीक है, आउटसोर्सिंग में इदारे नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इदारा जो है वो फ्लीट ऑफ मोटर व्हीकल्स को आउटसोर्स कर देता है, या सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर देता है, या आईटी को आउटसोर्स कर देता है।
ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपेयर भी हो चुका है। आउटसोर्सिंग की रीजंस क्या होती हैं और आउटसोर्सिंग के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। रीजंस मींस लाइक व्हाई फर्म्स आउटसोर्स, इदारे आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं। दैट टॉक्स अबाउट द रीजंस ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की मुख्तलिफ वजूहत हैं, ये हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। लाइक व्हेन यू आउटसोर्स यू गेट टाइम टू फोकस मोर ऑन योर कोर एक्टिविटीज, योर कोर कॉम्पिटेंस। That can make you achieve competitive advantage in a better way. जब आप आउटसोर्स करते हैं तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। जब आप आउटसोर्स करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमेशा उन चीज़ों को आउटसोर्स करती हैं जो उनकी नॉन कोर होती हैं। इट मीन्स दैट दे माइट बी एबल टू एड मोर वैल्यू वेन दे कैरी आउट अ टास्क इंटरनली इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग इट। तो अगर तो आप एक काम ज़्यादा बेहतर तौर पर इंटरनली कर सकते हैं फिर तो आउटसोर्स नहीं करेंगे, लेकिन इफ़ यू फील लाइक यू कैन नॉट ऐड वैल्यू टू दैट और कोई स्पेशलिस्ट फर्म वो काम आपसे बेहतर कर सकती है फिर आउटसोर्स कर दें। देखें ना, सिक्योरिटी की अगर हम मिसाल लें या आई टी की मिसाल लें तो इट इज़ पॉसिबल कि एक इदारे के पास आई टी एक्सपर्टीज ना हो, दे डोंट हैव आई टी एक्सपर्टीज, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज फिर किसी स्पेशलिस्ट सिक्योरिटी फर्म को आउटसोर्स कर दे। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो काम बेहतर हो जाएगा, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो आउटसोर्स वर्क जो होता है दैट माइट रिक्वायर सम स्पेशलिस्ट स्किल दैट एंटिटी कैन नॉट एम्प्लॉय इंटरनली। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है आपने तो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इंटरनली शायद ना हो, सो इट्स बेटर टू आउटसोर्स टू सम सॉफ्टवेयर हाउस ताकि वो बेहतर कर सकें वो काम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लेट से ऐसा कोई स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट नहीं है जो सिक्योरिटी पर्सनैल हायर कर सके, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनैल बहुत एक रिस्की टास्क होता है, बैकग्राउंड चेक्स करने होते हैं और बड़ा कुछ करना होता है। तो यू माइट हायर द सर्विसेज ऑफ सम स्पेशलिस्ट फर्म जो आपके लिए सिक्योरिटी पर्सनैल को हायर करे और उसको मैनेज करे। यू जस्ट हैव टू पे देम। आउटसोर्सिंग के साथ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है वो तो ये कि आप अपना कंट्रोल लूज कर जाते हैं। यू माइट बी लूजिंग योर कंट्रोल, आप अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर जाते हैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर ना। यू माइट लूज कंट्रोल, वट एवर एक्टिविटी यू आर इन टू आप उसके अंदर अपना कंट्रोल लूज कर जाएंगे। बिकॉज इफ यू फील लाइक यू वॉन्ट टू मैनेज कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज देन आउटसोर्सिंग नहीं होती। अदरवाइज ये मेक वर्सेज बाय डिसीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस दैट वेदर यू कैन प्रोड्यूस इट इन हाउस या कोई भी ऑपरेशन आप इन हाउस कर सकते हैं या आपने उसे आउटसोर्स ही करना है। इसे मेक वर्सेज बाय डिसीजन कहते हैं। किसी कॉस्ट के सब्जेक्ट में भी आप पढ़ेंगे इसको, मेक वर्सेज बाय डिसीजन को। सो बेसिकली एंड देन इफ समथिंग गो रॉन्ग, इफ समथिंग सिग्निफिकेंटली गो रॉन्ग, तो जो प्रॉब्लम है वो फिर इदारे के बिहाफ पे आएगी। आउटसोर्स पार्टनर्स को तो आप बाद में पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपके बिहाफ पे आएगी। जैसे अभी रिसेंटली ये कोई तकरीबन एक दो साल पहले टोयोटा ने टोयोटा करोला ने अखबार में ऐड दिया, टोयोटा ने तो उनकी एक सर्टन रेंज ऑफ गाड़ियाँ ना, उन्होंने इंजन नंबर्स दिए अखबार में, एक रेंज दी कोई 1000-2000 गाड़ी थी। And they asked the customers who have those cars to immediately report to any Toyota service center. हुआ ये था कि कुछ कंप्लेंट्स आई कस्टमर्स की कि गाड़ी में जो जैक रखते हैं, जो टायर चेंज करते हुए आप लगाते हैं गाड़ी के अंदर, वो जैक जो है वो गाड़ी का वजन नहीं उठा रहा था। इट वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट द कार, और अगर गाड़ी उस पर आप उठाते थे जैक पे तो वो जैक टूट जाता था और गाड़ी गिर जाती थी। तो वो दो तीन कंप्लेंट्स के बाद जब उन्होंने उसे प्रोबिन किया, चेक किया, सो दे रियलाइज कि पूरी एक लॉट जो थी जैक्स की वो ख़राब थी। तो उन्होंने इमीडिएटली फिर अखबार में इश्तहार दिया और उन्होंने कस्टमर से कहा कि जिनके पास इस इंजन नंबर से इस इंजन नंबर तक की गाड़ी है वो इमीडिएटली रिपोर्ट करें टोयोटा सर्विस सेंटर से, और उनको कॉम्पनसेट भी किया, फिर उन्हें फ्री कार वॉश या उन्हें फ्री सर्विस ऑफर की। बाद में तो कंपनी ने खैर जो भी अपने सप्लायर के साथ किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली It was a negative impression on the part of the organization. तो if something goes wrong, तो आपका नाम खराब होता है ना, आपके outsource partner का नाम खराब नहीं होता। ठीक है ना, whatever product you are selling,
दैट वुड बी अफेक्टेड। आपका आउटसोर्स पार्टनर जो है उसे तो आप बाद में क्लेम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कस्टमर तो आपका स्पॉइल होगा ना। सो एक्सटर्नल रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इसी कि व्हेनेवर यू हैव टू। और फिर यहाँ पे फिर वो आपका जो एक ट्रस्ट का लेवल होता है काम के अंदर अपने सप्लायर के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। योर सप्लायर वुड बी ट्रस्ट वर्दी इनफ, योर सप्लायर वुड बी कॉम्पिटेंट इनफ कि आप अगर उसे आउटसोर्स कर रहे हैं तो वो आपको फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी का काम दे। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे पहले भी हमने बात की थी। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज द हाइट ऑफ आउटसोर्सिंग, या आउटसोर्सिंग की हाइट होती है, दैट्स द एक्सट्रीम लेवल ऑफ आउटसोर्सिंग। एक इदारा जो है वो 100% आउटसोर्सिंग के ऊपर काम कर रहा है, विद ऑल द एक्टिविटीज आउटसोर्स टू डिफरेंट पार्टनर्स। कोई फिजिकल हब नहीं है, कोई उनके पास हेड ऑफिस नहीं है, कोई ऑपरेशंस नहीं है एग्जैक्टली, एंड दे आर जस्ट ऑपरेटिंग थ्रू सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं उनके आउटसोर्सिंग करने के सारे ऑपरेशंस को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आउटसोर्सिंग की एक बेस्ट एग्जाम्पल आजकल के दौर में ये वर्चुअल कंपनी की मिलती है, ऊबर या क्रीम की अगर आप बात करें तो। दैट्स अ प्योरली अ वर्चुअल कंपनी। कोई सेंट्रल हब ऑफ ऑपरेशंस नहीं है, कोई उनकी अपनी फ्लीट ऑफ कार्स नहीं है, दे डोंट हैव फुल टाइम एम्प्लॉयज, ड्राइवर्स नहीं है, दे आर ओनली कनेक्टिंग कस्टमर्स विद द प्रोवाइडर्स। ये बेसिकली शेयर्ड इकोनॉमी का मॉडल कहलाता है, इसे शेयर्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। खैर, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर डिस्कशन, इसे शेयर्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल भी आपकी बुक में कोड करता है कि नहीं, ऑब्वियसली ऑफिस होता है, बिल्कुल होता है ऑफिस, ऐसा नहीं है कि ऑफिस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कोई बहुत लंबी चौड़ी हायरार्की नहीं होती, चेन ऑफ कमांड नहीं होती। ऑफिस डेफिनेटली होते हैं जहाँ पे उनके कुछ ह्यूमन रिसोर्स, दैट अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो बहुत मिनिमल होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू, जैसे अगर आप ये ए टैक्सी की मिसाल लें। अब ए टैक्सी जो है ये भी एक कैब कंपनी है। अब इनकी कंपनी मेंटेन्ड कार्स हैं, इनकी येलो कैब्स जो हैं, कंपनी के ड्राइवर्स हैं इनके, दे हैव अ ह्यूज फ्लीट ऑफ कार्स, दे हैव अ ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स। इसके बरक्स अगर आप क्रीम या उबर की मिसाल लें तो दैट इज वेरी डायनामिक सेटिंग, ठीक है, कि ना ड्राइवर्स अपने एम्प्लॉयज हैं ना गाड़ियाँ अपनी हैं, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द कस्टमर्स विद द प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो हाँ, ये फर्क है इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस होता ही नहीं है, ऑफिस होता जरूर है, लेकिन वो ऑफिस कितना सेंट्रलाइज है या कितना उसमें हब है। हाँ एग्जैक्टली, आउटसोर्सिंग नहीं, देखें आउटसोर्सिंग की जो एक्सट्रीम है वो वर्चुअल कंपनी होती है। आउटसोर्सिंग जो होती है आपकी, दैट इज समथिंग वेयर यू गिव अ पोर्शन ऑफ योर प्रोसेस टू सम थर्ड पार्टी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी कि उसमें कॉम्पनसेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, वो एक अलग कहानी है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक। अभी हम उस डिबेट में नहीं जा रहे कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इफ समथिंग बैड हैपेंस तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके अंदर वो अभी एक कहानी नहीं है। ठीक है ना, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ये दो एग्जांपल है। फॉर एग्जाम्पल, इट टॉक्स अबाउट अ हाउस बिल्डर, एक कॉन्ट्रैक्टर है, हाउस बिल्डर है। वन एवर ही गेट्स एन ऑर्डर टू बिल्ड अ न्यू हाउस, तो ही कैन हायर ऑल द लेबर, ही कैन आउटसोर्स अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स टू डील विद ऑल द इनवॉइसिंग, ऑल द पेमेंट्स। ठीक है, बिल्डर के पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं है, उसकी कोर कॉम्पिटेंस जो है वो उसका पर्सनल स्किल है जो उसे कंपेटेटिव एडवांटेज देता है दूसरे राइवल हाउस बिल्डर्स के ऊपर। लाइक ही माइट बी द मोस्ट रिनाउंड आर्किटेक्ट इन टाउन, ये सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट हो सकता है रिनाउंड इन टाउन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपके ये आउटसोर्सिंग होती है, दैट इज दैट लीड्स टू वर्चुअल कंपनी। मतलब जितनी ज़्यादा आउटसोर्सिंग करेंगे उतने चैलेंजेस भी बढ़ते हैं ऑब्वियसली, उतनी फिर आपकी कॉस्ट कटिंग भी होती है डेफिनेटली, आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है।
लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपके कंट्रोल्स जो है, यू माइट बी लूजिंग कंट्रोल ओवर योर की एक्टिविटीज़। आप अपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर अपने कंट्रोल्स को लूज़ कर जाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, फुटवेयर ब्रांड है, कंपनी ब्रांडेड फुटवेयर सेल करती है, दे ऑल्सो ऑपरेट लाइक अ वर्चुअल कंपनी। अब उसका ब्रांड नेम उसकी मेजर कोर कॉम्पिटेंस है, ठीक, सारी वैल्यूज एक्टिविटीज उसने आउटसोर्स की हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, वेयर हाउसिंग कहीं और हो रही है, इन्वेंट्री कहीं और मेंटेन हो रही है, एक नेटवर्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्समैन उन्होंने हायर किए हैं जिन्हें वो कमीशन के ऊपर वो सेल करते हैं उनका प्रोडक्ट। मार्केटिंग एक्टिविटीज भी आउटसोर्स की हैं, लाइक एवरीथिंग इज आउटसोर्स, वट एवर दे हैव इज एक्चुअली द ब्रांड नेम। तो आउटसोर्सिंग करते हुए आपको डेफिनेटली एक ना एक कोर कॉम्पिटेंस अपने पास रखनी पड़ती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट आउटसोर्स योर ब्रांड नेम एज वेल, ये भी आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव एटलीस्ट वन कोर कॉम्पिटेंस विद यू, जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल में और हाउस बिल्डर है, उसका जो स्किल है, उसकी जो आर्किटेक्चरल स्किल है, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंस है। इस केस में कंपनी का जो नाम है ये उसकी कोर कॉम्पिटेंस है। सो वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये आपकी बात का आंसर है नवीन, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन ऑपरेट अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एंड दे कैन एक्चुअली इनडायरेक्टली कंट्रोल द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंटिटी रन इंडिविजुअल्स। एक्सटर्नल एंटिटी और इंडिविजुअल्स जो है उनके एक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके उनके एक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्चुअल कंपनी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आउटसोर्सिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट बी एबल टू क्लियरली टॉक अबाउट इट। ये आखिरी पार्ट है इसका, एंड दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। किसी भी इदारे का मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कौन सा हो सकता है, कैसे ऑपरेट करता है। जैसे कहते हैं कॉन्टिंजेंसी थियरी, दैट इज नोन एज कॉन्टिंजेंसी थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कॉन्टिंजेंसी थियरी ये कहती है दैट नो स्ट्रक्चर इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर सिचुएशनल होता है, सरकमस्टांशियल होता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि एक इदारे का बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, और एक इदारे को वो स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए विच इज बेस्ट सूटेड टू इट्स साइज, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स एनवायरमेंट। तीन फैक्टर्स मिलते हैं तो आपके स्ट्रक्चर की का डिसीजन होता है, द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चर एंड द एनवायरमेंट। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी भी आ जाती है इसके अंदर। स्ट्रक्चर माइट वेरी बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। अगर आप सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं तो आपको और स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर आप डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं तो आपको और स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर की जो सिलेक्शन है वो भी वेरी कर सकती है, द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर माइट ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन वट टाइप ऑफ प्रोसेस यू आर गोइंग टू बिल्ड, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस क्या हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर अराउंड दोज प्रोसेसेस। उन स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट के इर्द गिर्द आप प्रोसेसेस कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। इफ यू हैव चोजन अ सूटेबल स्ट्रक्चर तो उसके बेनिफिट्स आप रीप करेंगे, एंड इफ यू हैव चोजन अ डेफिशिएंट स्ट्रक्चर तो उसके प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर्स कैन बी सूटेबल, कैन बी नॉन सूटेबल। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज चोजन अ सूटेबल स्ट्रक्चर दे विल इंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, इफ दे हैव चूजन अ नॉन सूटेबल स्ट्रक्चर देन दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉन्टिजेंसी थेरी ये कहती है कि वट एवर स्ट्रक्चर यू चूज दैट मस्ट बी हाईली सूटेबल टू वट एवर एनवायरमेंट यू आर ऑपरेटिंग इन एंड योर अदर फैक्टर्स एज वेल, जिसमें इदारे का साइज आ जाता है, उसकी स्ट्रेटजी आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर की जो सिलेक्शन है दैट इज ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स, ठीक, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अडॉप्टिंग एन इन अप्रोप्रिएट और डेफिशेंट स्ट्रक्चर। इफ यू हैव अडॉप्टेड एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर तो फायदे क्या मिलेंगे, स्टाफ मोरल माइट बी हाई, एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड, एवरीबडी शुड नो वट इज देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक को पता है अपने टास्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। रिलेशनशिप्स विल बी डीम्ड लॉजिकल एंड दे विल बी वेल ऑर्गेनाइज। एक अच्छा स्ट्रक्चर जो होता है हमेशा वेल ऑर्गेनाइज होता है, तो जब कोई स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज होगा तो पीपल वुड नो के वॉट देयर के उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हैं एंड वॉट दे आर सपोज टू डू। एफिशेंसी बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, वेरी सिंपल।
अल्टीमेटली ये वैल्यू जो है, जब कस्टमर रिसीव करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है तो इदारे के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। यू कैन डिप्लॉय द राइट पीपल एट द राइट प्लेस, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। ऑल ऑफ दीज आर द की बेनिफिट्स विच माइट बी रीप्ड बाई डिप्लॉइंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को डिप्लॉय करके ये सारे फवायद हासिल किए जा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप एक डेफिशिएंट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके इदारे को सूट करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर बट यू हैव अडॉप्टेड ए एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, तो इसके फिर कुछ ड्रॉबैक्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी लोगों में, स्टाफ माइट बिकम फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, डिसीजन माइट बी डिलेड, डिसीजन मेकिंग डिले हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल योर बिजनेस मॉडल माइट वर्क बेटर इन डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बट आप एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि आपकी डिसीजन मेकिंग डिलेड हो जाएगी। डिसीजंस अगर एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में लिए जा रहे हैं और ऐसे डिसीजन आप ले रहे हैं जहाँ पे कल्चरल वेरिएशन मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स जो है, इसके अगर सारे डिसीजंस पूरी दुनिया के आउटलेट्स के अमेरिका से होके आए, सो दैट वुड क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, सो एट टाइम्स यू हैव टू डिसेंट्रलाइज, एट टाइम यू हैव टू डेलीगेट। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती, स्पेशली वेन मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइन एग्जिस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स में चूंकि मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइन्स होती हैं तो वहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती, ऑपरेशंस बिकम इनएफिशिएंट, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स माइट बी लॉस्ट आउट। सो ऑल ऑफ दीज आर सम ऑफ द की यू नो ड्रॉबैक्स, दैट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू रीड देम एंड मेमोराइज देम। ये कुछ वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर इदारे फेस करते हैं बाय डिप्लॉइंग अ डेफिशिएंट स्ट्रक्चर एंड इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। जब कोई इदारा इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपके सिचुएशन को, आपके हालात को, आपकी करंट पोजीशन को कुछ और स्ट्रक्चर सूट करता है लेकिन आपने कोई और स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, इस सिचुएशन को हम कहते हैं इनअप्रोप्रिएट या डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। लाइक अ स्ट्रक्चर दैट बेस्ट सूट्स यू इज डिफरेंट फ्राम वट यू आर एक्चुअली वर्किंग विद। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इदारा जब ग्रो करता है तो उसको ओवर द टाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है ना। इनिशियली एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर माइट वर्क बेस्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम फंक्शनल स्ट्रक्चर पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रो करता है तो डिवीजन्स बना लेता है, SBUs बना लेता है। सो ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोज थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बट दीज स्ट्रक्चर देन मस्ट बी मेड अप्रोप्रिएट एज पर द requirement or as per the need of their environment. Okay? If you have adopted a poor structure, a structure that does not suit your organization, it might negatively impact your market share price as well. Businesses jab perform nahi karenge, ultimately they will become a corporate takeover risk. Wo unka corporate takeover risk badh jayega. Theek hai? अल्टीमेटली बैड फिट कहते हैं स्ट्रक्चर दैट डज नॉट सूट यू, इसे कहते हैं बैड फिट। ऐसा स्ट्रक्चर आपने अडॉप्ट किया हुआ जो आपको सूट नहीं करता तो ये बैड फिट कहलाएगा। तो बैड फिट की वजह से यू माइट सिग्निफिकेंटली लूज योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स एंड अल्टीमेटली योर गुड एम्प्लॉइज, दैट कैन लीड टू कॉर्पोरेट फेलियर। कॉर्पोरेट फेलियर कहते हैं जब एक इदारा अपने गोल्स अचीव करने में फेल हो जाए और अल्टीमेटली शट डाउन की तरफ मूव करे, तो कहते हैं कॉर्पोरेट फेलियर हो गया। वेन एन ऑर्गेनाइजेशन is failing to achieve their goals and moving towards a shutdown position, it means that a corporate failure has occurred. ठीक है ना, so this phenomena is known as corporate failure. यहाँ पे दो मॉडल्स हैं जो कॉन्टिजेंसी थ्योरी में आते हैं, एक है बर्न एंड स्टॉकर का और दूसरा है हेनरी मिंट्सबर्ग का। देर आर टू मॉडल्स that comes into discussion. The first one is Burn and Stoker, mechanistic and organic, and the second one is Henry Mintzberg. Board companies, kya matlab? Ah, many bought out companies, aise idare jo bik jate hain, jaise Nokia is a bought out company na. Nokia is a bought out company. Nokia ko purchase kiya Microsoft ne. So a firm that is purchased by another firm is a bought out company. इसे bought out company कहते हैं। So जब कोई इदारा bought out company होता है तो उनको फिर restructuring करनी पड़ती है ना अपने आप को,
अब इफ नोकिया हैज बीन एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट उसकी पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करेगा। नोकिया का ड्रॉबैक ये था दैट दे वर नॉट इनोवेटिव, दे डिड नॉट कोप विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। वो जी नोकिया इज सोल्ड आउट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, बिल गेट्स हैज एक्वायर्ड नोकिया, बिल गेट्स ने खरीदा नोकिया। नोकिया का अस्सलाम प्रॉब्लम सर, ये आपका था, नोकिया का जो अस्सलाम सर। प्रॉब्लम। जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नोकिया को जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो खरीद लिया था उसके सारे ऑपरेशंस नोकिया के माइक्रोसॉफ्ट लुक आफ्टर कर रहा था, मगर नोकिया एमएस ऑफिस के एमएस के हाथों में जाने से पहले बहुत अच्छे गैजेट्स बना रहा था जो स्मार्ट भी होते थे और दिखने में फैंटास्टिक लगते थे। और हर बंदे की ख्वाहिश ये होती थी कि मैं ऐसे हैंडी हैंडसेट्स के साथ मैं अपने आप को रखूं मैं, ठीक है ना। बहुत बहुत जैसे इसका 6600 था, फिर एन सीरीज की बहुत अच्छी चली, फिर 76, 10, 33, 10 आज तक मशहूर है। मेरे ख्याल में सर माइक्रोसॉफ्ट का जो डाउनफॉल जो था ना, वो इसके सॉफ्टवेयर बड़े क्लासिकल थे, मगर इसने जो गलत टाइम पे गलत डिसीजन जो लिया ये चीज उसको ले डूबी है। इसमें देखें मेन इशू ये था जो आप बात कर रहे हैं ना, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन नोकिया वाज फ्लरिशिंग। उस पर तो कहीं माइक्रोसॉफ्ट पास पास भी नहीं था नोकिया के। जब नोकिया की एन सीरीज और सी सीरीज जब लॉन्च हुई थी, नो देर वॉज नो माइक्रोसॉफ्ट इन टू इट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बीच में इनकॉर्पोरेट किया, बेसिकली दे हैड एन एग्रीमेंट। उनका एग्रीमेंट ये था कि नोकिया अपने स्मार्टफोन्स के अंदर विंडोज फोन बेसिकली डेवलप करेगा। नोकिया वॉज अ सेपरेट एंटिटी। नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जो है इनका मर्जर हुआ है 2000, सॉरी ये टेक ओवर हुआ है 2015 में, आई गेस 14 या 15 में। उससे पहले नोकिया वॉज अ डिफरेंट एंटिटी। उसकी नोकिया ने गलती ये की कि दे साइन एन एग्रीमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट कि नोकिया जो है वो विंडोज फोन बनाएगा। नोकिया ने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, बहुत सारे महंगे महंगे फोन लॉन्च किए हैं नोकिया ने भी। नोकिया के भी वो 50,000 का फोन था, 60,000 का फोन था, जो विंडोज फोन थे बेसिकली। बट कस्टमर चूंकि इतना इंक्लाइंड हो चुका था एंड्रॉयड के ऊपर के कस्टमर एक्चुअली डिड नॉट फील कंफर्टेबल यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर जो हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे विंडो फोन के ऊपर। आ रही बात समझ में? सर बात ये थी, जहाँ तक मैंने उसको रिसर्च किया है, जैसे आईफोन वगैरह है, आईफोन के बाद ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि एमएस ऑफिस के साथ मर्ज कर लेता और अपना एमएस ऑफिस से विंडोज फोन देता, मगर आईफोन वालों ने, एप्पल प्रोडक्ट्स वालों ने साफ क्लियरली मना कर दिया था कि भाई जी हम ये काम नहीं ऐसे करेंगे। ऐसे और आईफोन अपना नोकिया जो था, नोकिया ने भी पहले डिसएग्री किया था कि हम सिम्बियंस फोन के अलावा कोई और प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। इन्होंने एमएस ऑफिस वालों से तो कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, मगर साथ में इन्होंने मना कर दिया था एंड्रॉइड के ऊपर हम कोई अपना प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे। मगर जो इनकी जो डिसीजन जो इन्होंने गलत टाइम पे किए हैं, जिसकी वजह से ये नोकिया के फेलियर का सबब बना, वरना जब नोकिया पे पीक पे था तो सैमसंग से आसपास भी नहीं भटकता था, ना सैमसंग था, ना जी एलजी था, ना क्यू मोबाइल था। बट दैट वाज बिफोर स्मार्टफोन, दैट वाज बिफोर द इंसेप्शन ऑफ स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट। मगर स्मार्टफोन इनोवेशन का जो कॉन्सेप्ट, इनोवेशन का कॉन्सेप्ट जो है सेम्बियन सीरीज जो नोकिया ने लॉन्च की थी उससे निकला। ये तो जहां तक मैं यूज में मुझे पता कि मैं बचपन से अपने मैं सेम्बियन यूज करते हुए आ रहा हूँ, अब जाके मैं आईफोन पे मैं कन्वर्ट हुआ आईफोन और फिर एंड्रॉइड के ऊपर। मगर ये कि जो मैं एंड्रॉइड के एप्लीकेशन जो देखता हूँ मोस्ट 99% वो वैसे ही है जैसे सेम्बियन के ऊपर होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगेन देखें ना, वन बैड डिसीजन हैज एक्चुअली लेड द कंपनी टू अ कॉर्पोरेट फेलियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि फिर आप डिसीजन कहाँ पे और कैसे ले रहे हैं। मतलब लेट से यू हैव साइन एन एग्रीमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट कि आप विंडोज फोन बनाएंगे, बट साइमल्टेनियसली देन यू शुड नॉट बाउंड योर सेल्फ कि आप एंड्रॉयड पावर्ड फोन नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने गलती बेसिकली यही की थी ना कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट ये कर दिया था कि हम सिर्फ विंडो फोन ही बनाएंगे। और अगेन चूंकि देखें आप देखें नोकिया स्मार्ट, जब से स्मार्टफोन आया है, लाइक स्मार्टफोन का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, दैट वाज सिंस 2007 व्हेन एप्पल लॉन्च देयर फर्स्ट आईफोन। एप्पल का पहला आईफोन जो है वो 2007 में आया था। ठीक है, सैमसंग उस वक्त स्मार्टफोन में कहीं भी नहीं था। सैमसंग ने उसके बाद कहीं ये अपनी एस सीरीज लॉन्च की थी, S1, S2, S3। तो उसके बाद से फिर पूरी दुनिया में सैमसंग है या एप्पल है स्मार्टफोन्स में। कहीं बीच में LG के स्मार्टफोन्स भी आए और भी छोटी मोटी कंपनीज के स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन स्टिल। तो अगेन बात ये हो रही है कि
जो पुअर डिसीजन मेकिंग होती है ना, दैट एक्चुअली लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इदारों के जो डाउनफॉल होते हैं वो पुअर डिसीजन से आते हैं बेसिकली. इफ योर डिसीजंस आर अप्रोप्रिएट, योर ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर गोइंग टू टेक दैट फॉर्म. ठीक है, सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट. नोकिया वॉज डेफिनेटली वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांड. मेरा ख्याल है कि जो लोग जिन्होंने सबसे पहले मोबाइल फोन यूज करने शुरू किए थे वो नोकिया से स्टार्ट किए थे. आई हैड माई फर्स्ट मोबाइल फोन ऑफ नोकिया. बट द पॉइंट अगेन, हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट फेलियर. ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे टॉपिक कॉर्पोरेट फेलियर नहीं है. हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि जब एक इदारा टेक ओवर बिड बन जाता है किसी दूसरे इदारे के लिए, तो उसकी फिर रिस्ट्रक्चरिंग होती है. अब अगर माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया नोकिया को, तो नोकिया अब मैन दे हैव एक्चुअली रियलाइज, बल्कि अगर आप गौर फरमाएं तो अब नोकिया एंड्रॉइड के ऊपर भी आना शुरू हो गया स्मार्टफोन. नाउ दे आर गोइंग टू लॉन्च नोकिया ऑन एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एज वेल. तो वो रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने उसकी स्टार्ट कर दी है. दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड रिस्ट्रक्चरिंग इट, प्रोडक्ट की भी और बिजनेस मॉडल्स की भी. ठीक है, तो एनवायरमेंट के अंदर बर्न एंड स्टॉकर जो है, मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक, ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है. एंड इट हैज आल्सो मेड पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन एज वेल. बिल्कुल, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो ऑब्वियसली दे हैव टू मूव ऑन दोज लाइंस. तो मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक का जो मॉडल है, ये कहता है कि दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है एक इदारे की एनवायरनमेंट पे कि वेदर दे आर गोइंग टू बी मैकेनिस्टिक और दे आर गोइंग टू बी ऑर्गेनिक. मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स, और अगर आप ये पॉइंट अगर पढ़ेंगे मैकेनिस्टिक के, यू वुड रियलाइज कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये मेनली ब्यूरोक्रेसी के हैं. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट की जाती है थ्रू हायरार्किकल मैनेजमेंट. डिसीजन मेकिंग पोजीशन से आते हैं जो कि हायरार्की में मौजूद है. इट इज कम्प्लीटली अ ब्यूरोक्रेसी. कम्युनिकेशन वर्टिकल होती है, अप डाउन द चेन ऑफ कमांड होती है. जॉब स्पेशलाइज्ड होती हैं, इंडिविजुअल्स अपने स्पेशलिस्ट एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जॉब डिस्क्रिप्शंस आर हाईली प्रिसाइज. टास्क एंड ऑपरेशंस आर गवर्न्ड बाय इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस. जो हमने वो डिस्कस किया था ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा क्लियर होता है. इसके बरक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में नेटवर्क स्ट्रक्चर पाया जाता है. इंडिविजुअल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने नॉलेज की बेस के ऊपर. इट इज मोर ऑफ एन इजलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन. इजलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इदारे को कहते हैं जहाँ पे स्किल्स की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है अदर देन योर पावर एंड योर पोजिशन. पीपल आर रिस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड देयर स्किल रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजिशन. कंट्रोल इज कल्चरल नॉट ब्यूरोक्रेटिक. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ज्यादा होती है. स्पेशलिस्ट नॉलेज आर शेयर्ड एंड कॉन्ट्रीब्यू एंड पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉमन टास्क. कॉमन टास्क कहते हैं लोग सब मिलके एक सिंगल गोल पे काम करते हैं, कोई इंडिविजुअल गोल्स नहीं होते. जॉब डिस्क्रिप्शन आर लेस प्रिसाइज, इसे कहते हैं मल्टी टास्किंग. वन पर्सन कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग ज्यादा होती है. ग्रेप वाइन भी इसमें आ जाती है. तो बेसिकली बर्न एंड स्टॉकर ने पहले तो ये मॉडल दिया था मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक, एंड देन दे टॉक्ड अबाउट दैट विच टाइप ऑफ मॉडल इज मोर सुटेबल टू विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट. सो इन्होंने कहा था कि एनवायरमेंट दो किस्म की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है, या एक स्टेबल होती है और एक डायनामिक होती है, रैपिडली चेंजिंग होती है. मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर इज मोर सुटेबल टू अ स्टेबल एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज मोर सुटेबल टू अ डायनामिक एनवायरमेंट. ऐसी एनवायरमेंट जिसमें, जैसे आप आईटी सेक्टर की एनवायरमेंट की बात करें तो दैट्स अ वेरी डायनामिक एनवायरमेंट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, रैपिडली चेंजिंग कस्टमर नीड्स हैं, दे कॉल फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू द मार्केट एंड चेंज इन प्रोडक्ट ओवर टाइम. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में फिर यू कांट वर्क इन अ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, यू हैव टू वर्क इन एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर अपने आप में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है. जब आप टीम बिल्डिंग करते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में आप काम कर रहे होते हैं. मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर इज बेटर सुटेड टू स्टेबल एनवायरनमेंट. बर्न स्टॉकर ने कहा था कि ऐसा स्ट्रक्चर जो बेस्ट सूट करे आपकी एनवायरनमेंट को, दैट यील्ड्स बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू अडॉप्टिंग अ स्ट्रक्चर दैट डज नॉट सूट योर एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरनमेंट स्टेबल है और आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स कभी भी प्रॉमिसिंग नहीं आएंगे. इसी तरह अगर एनवायरनमेंट आपकी डायनामिक है और उसमें अगर आप मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसके भी रिजल्ट्स बड़े प्रॉमिसिंग नहीं आएंगे. सो वी हैव टू अलाइन द एनवायरनमेंट विद द स्ट्रक्चर. ठीक है, विद द मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर
An entity can perform better in a stable environment than an entity with an organic structure. तो एक स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर को ऑप्ट करने वाला इदारा बेहतर काम करेगा एज कम्पेयर टू डायनामिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी याद है, इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एन एंटिटी कैन हैव बोथ स्ट्रक्चर्स, मैकेनिस्टिक भी ऑर्गेनिक भी एट द सेम टाइम। एक डिपार्टमेंट में मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ऑप्ट कर लें, एक में ऑर्गेनिक ऑप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल एक मैनुफैक्चरिंग कंसर्न है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज प्योरली मैकेनिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट इज प्योरली ऑर्गेनिक। ठीक, इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये भी पॉसिबल है कि वी कैन कंबाइन, अगली एग्जाम्पल में इसी को कह रहे हैं कि ये दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, कैन गो साइड बाय साइड। जैसे होटल चेन्स कैन एम्प्लॉय मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर विद इन देयर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाइक देयर किचन एंड हाउस कीपिंग, जहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोसेस होंगे, स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स होंगे, रूटीन्स आर वेरी क्लियर। नहीं, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हम देखें, दैट समथिंग डिफरेंट। जॉब स्पेशलाइजेशन तो डेफिनेटली होगी, लेकिन उसमें कॉमन नॉलेज शेयरिंग भी होती है। लाइक मल्टीपल, जब आप किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग एंड पीपल कंट्रीब्यूट टू द सेम कॉमन नॉलेज। उसमें लेस स्पेशलाइजेशन से आप काम करते हैं, ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। स्पेशलाइजेशन होना और उसको यूज़ करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। All people are specialized of carrying out all the tasks, but the point is कि क्या आप हर एक को उसका respective task दे देंगे और उसे सिर्फ वही काम करवाएंगे, या आप उन्हें मल्टी टास्कर बनाएंगे और आप उनसे एक वक्त में मुख्तलिफ काम करवाएंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन आर लेस प्रिसाइज या स्पेशलाइजेशन नहीं होती, यहाँ पर हम बात करते हैं पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉमन टास्क। ठीक है, स्पेशलिस्ट नॉलेज होता है बट डैट इज शेयर्ड, ये आप शेयर करते हैं, बट यू शेयर दैट कॉमन नॉलेज। ठीक है, कॉमन नॉलेज डज एग्जिस्ट बट दैट कॉमन नॉलेज इज शेयर्ड। स्पेशलिस्ट नॉलेज डज एग्जिस्ट बट दैट इज शेयर्ड। ठीक, ओके। सो एक तरफ एक डिपार्टमेंट आपका मैकेनिस्टिक है, एक तरफ आपका एक डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनिक है, और एक ही वक्त में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों किस्म के डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। वन इज वर्किंग ऑन मैकेनिस्टिक एंड वन इज वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक। एक और एग्जांपल देखें, आईटी वर्सेस कार मैन्युफैक्चरिंग। अब मेनी आईटी कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, दे हैव अ वेरी फ्लूइड डायनामिक एनवायरनमेंट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी हाईली रिस्पॉन्सिव एंड हाईली फ्लेक्सिबल टू रिस्पॉन्ड टू एवर इवॉल्विंग एनवायरनमेंट, एवर इवॉल्विंग एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना। सो दीज कंपनीज टेंड टू रिफ्लेक्ट मोर ऑफ ऑर्गेनिक ट्रेड्स रादर देन मैकेनिस्टिक ट्रेड्स। ये ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड, कार मैनुफैक्चरिंग के अंदर मैकेनिस्टिक ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं, एनवायरनमेंट इतनी डायनामिक नहीं होती, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स लॉन्गर होती हैं। एक गाड़ी का मॉडल जब आता है तो कई कई साल चलता है, रिपोर्टिंग लाइन ज़्यादा फॉर्मलाइज होती हैं। तो यहाँ पर फिर आप ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रेड्स के ऊपर काम, सॉरी मैकेनिस्टिक ट्रेड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। एक नेस्ले की एग्जाम्पल भी है, इसको भी देख लीजिएगा। It talks about कि how Nestle has transformed from a matrix structure to a functional or a divinal structure. Nestle ने कैसे matrix structure जो है उसको transform किया divinal structure के अंदर। So that's another important case to be discussed. ठीक है, बर्न एंड स्टॉकर के बाद मिंट्सबर्ग का मॉडल है। मिंट्सबर्ग हम इंशाल्लाह डिबेट नेक्स्ट करते हैं। And that will conclude this topic. ये इस टॉपिक को कंक्लूड कर देगा मिंट्सबर्ग का जो मॉडल है। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट इट फर्दर। इन द मीन टाइम कोई इशू, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर दीजिएगा मेरे से। Sure, then let's conclude it. See you around. Okay. Thank you, Allah Hafiz.